वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद भी HEC की चंद्रयान 3 और गगनयान की लॉन्चिंग में बड़ी भूमिका होगी। देश हित में इसरो से मिले कार्यादेश को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज हम बात करेंगे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HEC की, जो इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजीगत उपकरणों के लिए लीडिंग सप्लायर्स में से एक है। सुविधाओं के सहज एकीकरण के कारण HEC सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है। आज एक बार फिर HEC चर्चा में है। दरअसल चंद्रयान 3 और गगनयान की लॉन्चिंग में HEC की अहम भूमिका होगी। इसरो ने HEC को कई अहम कार्यादेश दिया था। इसमें कई उपकरणों का डिस्पैच किया गया है, वहीं कई उपकरणों का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। HEC के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद भी देश हित में इसरो से मिले कार्यादेश को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं HEC में फिलहाल काम क्या हो रहा है। वर्तमान में कई उपकरणों का निर्माण हो रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर का निर्माण पूरा हो गया है और कमिश्निंग अंतिम चरण पर है। व्हील बॉगी असेंबली का कार्य पूरा हो चुका है, सिर्फ डिस्पैच होना बाकी है। फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स का निर्माण पूरा हो गया है और कमिश्निंग अंतिम चरण पर है। अधिकारी ने बताया कि रॉकेट की असेंबलिंग HEC में बने फोल्डिंग कम वर्टिकली रिपोजिशनेबल प्लेटफॉर्म से लैस रॉकेट असेंबली बिल्डिंग में की जाती है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 63 मीटर तक के रॉकेटों की 6-स्टेज असेंबली की सुविधा होती है। रॉकेट को HEC निर्मित मोबाइल लॉन्चिंग पेडेस्टल द्वारा लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जो एक विशाल संरचना है। इसका वजन 800 टन से अधिक होता है। वहीं रॉकेट हिले नहीं, इसके लिए 80 मीटर की ऊंचाई पर HEC द्वारा निर्मित क्रेन लगाया गया है। इस क्रेन में जबरदस्त हवा को झेलने की जो क्षमता है वो होती है। इधर HEC की वित्तीय स्थिति खराब होने के वजह से कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारी लगभग एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं और वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद HEC देश की तरक्की में अपना अहम योगदान देने को तत्पर है। एक समय एशिया की सबसे मशहूर कंपनियों में शुमार HEC आज सरकारी उदासीनता के कारण अपनी बंदी के कगार पर आ चुका है। सरकार से आश्वासन जरूर मिला है, पर जमीनी स्तर पर काम नहीं हो सका। लगभग 75% कार्य की क्षमता खो चुकी HEC आज भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि कुछ मदद मिलने पर यह पटरी पर वापस आ पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।